आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और हमारे खास कार्यक्रम में लगातार नेताओं का जमावड़ा लगा है। इसी कड़ी में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रविदास मेहरोत्रा जी मौजूद है। सबसे पहले तो मैं ये जानूंगी कि आप होली का त्यौहार कैसे मनाने वाले हैं। हम लोग आपस में गले मिल करके होली का त्यौहार मनाते हैं और प्रेम का रंग लगाते हैं। जो रंग साल भर चढ़ा रहे उस रंग को चढ़ाते हैं और ये मौका होता है कि आपस में जो मतभेद हैं उन्हें बुझा करके आपस में गले मिल करके इस एकता को हम लोग और अधिक मजबूत करें। बिल्कुल, देखिए आगामी लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है, समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि 63 सीटों पर आप चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से और 26 विपक्षी पार्टियों से गठबंधन किया है और उसका नाम है इंडिया। मैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से लखनऊ से लोकसभा का प्रत्याशी हूँ। हम लोग जनता के बीच में जा करके जनता के से मिलने का काम कर रहे हैं और हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं को लेकर के, जन मुद्दों को लेकर के 250 बार हम लोग जेलों में गए हैं और 20-20 महीना जेल में रहने का काम किया है। इसके अलावा जो भाजपा की सरकार है उसने जनता से जो वादे किए थे किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अपराध बेतहाशा बढ़ रहे हैं, हमारी कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है और लगातार जो है वो असत्य और अन्याय के खिलाफ जो हम लोग जंग करने का काम कर रहे हैं। भाजपा की सरकार तानाशाही के माध्यम से जनता की आवाज़ दबाना चाहती है। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता खड़ी हो गई है, जनता ही विपक्ष में आ गई है और इस बार 2024 में सत्ता में परिवर्तन होगा और इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी। हम लोगों ने नारा दिया है उत्तर प्रदेश में कि 80 हराओ भाजपा हटाओ और इस 80 हराओ भाजपा हटाओ की अभियान की शुरुआत लखनऊ शहर से होगी और हम लोग लखनऊ में भाजपा को हराने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आप इंडिया अलायंस के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन आपके सामने एक बड़े नेता हैं और वो जीत की हैट्रिक लगाने की बात करते हैं, कितनी बड़ी चुनौती है इस बार और लखनऊ की जनता को कैसे आप बैलेंस करेंगे? देखिए, लखनऊ के जो सांसद हैं इनको लखनऊ की जनता के कष्ट दुख से कोई मतलब नहीं है। ये लखनऊ में जब आते हैं तो अखबार में खबर निकलती है कि लखनऊ का सांसद लखनऊ आ रहा है। यहाँ पर दो विधायकों की निधन हुआ और दोनों विधायक भाजपा के थे, एक लखनऊ पश्चिम से एक लखनऊ पूर्व से, दोनों के निधन पर सांसद जी नहीं आए। जो सांसद अपने पार्टी के अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में नहीं आए वो जनता के किसी भी कष्ट दुख में खड़ा नहीं होगा। और जो लखनऊ के सांसद हैं वो डिफेंस मिनिस्टर भी हैं और उन्होंने लखनऊ की एक बहुत बड़ी डिफेंस मंत्रालय की कंपनी HAL, उस HAL को बेचना शुरू कर दिया है। उसके 28% शेयर बेचने का काम हो गया है। जब भी लखनऊ के सांसद जो डिफेंस मिनिस्टर हैं लखनऊ आते हैं तो केवल HAL के शेयर बेचने आते हैं, उनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। हम लोग जनता के हर कष्ट में, हर दुख में, उनकी हर समस्या में खड़े रहते हैं। जनता को ये विश्वास है कि हम चुनाव जीतने के बाद उनके बीच में रहेंगे, उनके सुख दुख में उनके साथ रहेंगे और उनकी एक आवाज़ पर हम लोग उनके पास पहुंचने का काम करेंगे और लखनऊ शहर को चौमुखी विकास कराने का काम करेंगे। लखनऊ में जो है वो जनता परेशान है उनकी परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे। प्राइम टीवी के माध्यम से लखनऊ की जनता को क्या संदेश देंगे आप? प्राइम टीवी ने आज बहुत अच्छा होली के पर्व पर कार्यक्रम किया है और प्राइम न्यूज जो है ये जनता की समस्याओं को उठाती रहती है, जनता के और सरकार के बीच में पुल बनने का काम करती है और बहुत सारी समस्याओं को उठा करके आप लोगों ने उसको हल करने का काम किया है। इसलिए प्राइम टीवी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी।